हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको फ्रंट और बैक दोनों के तरह के नेक बनाना सिखाऊंगी। फ्रंट वाला हम बुकरम पे बनाएंगे और जो बैक वाला है हम वो तिरछी पट्टियों से बनाएंगे। तो देखिए, ये मेरा कपड़ा है, मेरे पे ये चकोर कपड़ा नहीं था, मतलब छोटे छोटे से टुकड़े थे, तो मैंने उनको इस तरीके से मैं सेंटर में सील लेती हूँ, जिससे ये एक काफ़ी चौड़ा सा कपड़ा बन जाएगा। तो आपके पास भी अगर प्रॉपर बड़ा कपड़ा ना बचा हो कटिंग करते समय, तो आप इस तरीके से भी जॉइंट करके आप कर सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने नेक कट कर रखा है, तो जितना मैंने ये चौड़ा नेक कट करके रखा था, मैं पहले उसको मार्क कर लूँगी। तो और इससे क्या होता है, अगर हम मार्क कर लेते हैं तो हमारा जो हम जब नेक सेट करते हैं तो वो हमारा कभी भी इधर उधर ज़्यादा फैलता नहीं है। तो इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया है और इसे ऐसे सेट कर लूँगी। और ये जो बुकरम के नेक काटने अगर नहीं आते, तो मैं आपको आई बटन पे क्लिक कर सके आप देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे कटिंग करके बता रखी है जिस बुकरम पे नेक कैसे काटते हैं। ठीक है, अब हम देखिए इसमें से साइड से हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेंगे पूरा। ठीक है, और अब हम इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और एक सेंटर में कट लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर में कट लगाएंगे, फिर इसके बुकरम पे हम इस के कपड़े को भी फोल्ड कर देंगे। अब इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ना, अब हम देखिए ये जितना भी आप एक्स्ट्रा है कपड़ा आएगा, ये ऊपर से जो ये बुकरम के ऊपर चढ़, हम इसको भी कटिंग कर देंगे। ये देखिए, बिल्कुल सिलाई तक ही रहने देंगे, ये कपड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर देंगे। सही होता है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है अगर हमें एक्स्ट्रा कपड़ा हटा देते हैं तो। और अब हम देखिए, इसका सेंटर पॉइंट तो हो चुका है, अब हम कुर्ती लेंगे। कुर्ती का हम है ना फ्रंट पार्ट लेंगे, ठीक है, सीधा हिस्सा लेंगे, और उसका भी हमने देखिए सेंटर कर रखा, और मैंने चौक से भी निशान लगा दिए जो आपको भी दिखाई देगा। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ सेंटर पे रखेंगे और बिल्कुल सेट कर देंगे। ठीक है, और अब यहाँ पे भी हम निशान लगा देंगे इस तरीके से कि यहाँ से काफ़ी इजी रहता है। और अब हम पहले ऊपर से इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए, इस तरीके से हम दोनों को जॉइंट कर देंगे, तो अब ये ऊपर से कहीं भी नहीं जाएंगे और बिल्कुल फिर हमें नीचे से लगाने की आसानी हो जाएगी। आप चाहें सेंटर में सिलाई लगा सकते हैं, मैंने ऊपर लगा दी है, दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिसको भी जैसा मतलब अच्छा लगे। अब ये बिल्कुल हिलेगा नहीं यहाँ से, अब हमें यहाँ पे लगानी है। ठीक है, बिल्कुल बुकरम के साथ, बुकरम पे नहीं होनी चाहिए, बुकरम के साथ साथ होनी चाहिए। और देखिए, अब ये इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा नेक बिल्कुल सेट हो गया। अब हमें देखिए इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, ये अंदर का पार्ट हम निकाल देंगे, तो कटिंग करने के बाद हम फिर इसमें छोटे छोटे से कट डाल देंगे। और देखिए, अब इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे और एक कच्ची सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो, मैंने जैसे कंट्रास्ट कलर लिया है तो पाइपिंग निकालना है, तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ रखें मोड़ते वक्त, और बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई लगाएं, तो आपकी थोड़ी पतली पतली पाइपिंग भी निकल आएगी। वो आपकी मर्जी है आपको कैसे मोड़ना है, पर फोल्ड इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारा बिल्कुल नेक बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन गया है। और ये देखिए, छोटी पतली पतली सी पाइपिंग भी इसमें निकल गई है मेहरून कलर की। तो अब चलिए हम अपना बैक का गला बनाते हैं। तो देखिए, ये हमारा बैक का नेक है। ठीक है, ये हमारा गोल कटा हुआ है। अब इस पे हमें बुकरम से नहीं, इसमें हम क्रॉस पट्टी से हम बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा कपड़ा है जो हमने गले के लिए जॉइंट किया था, उसमें से बच गया था। अब हम इसमें बिल्कुल तिरछी पट्टियाँ काटेंगे, 1 से 1.5 इंच की पट्टी होनी चाहिए। ठीक है, और इस तरीके से मैंने ये तिरछी पट्टी काट ली है, और ये पहले से ये एक सेंटर में तो जॉइंट है। अगर आपको छोटी पड़े तो आप इसको जॉइंट कर सकते हैं, पर ये मेरे को काफ़ी इनफ है। मैं इसको थोड़े से एजेस जो हैं इसके ठीक कर लिए हैं। तो अब मैं इसको देखिए कैसे गले पे लगाती हूँ। तो इस ये अरेब पट्टी इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर की एक स्ट्रेचेबिलिटी आ जाती है, और ये काफ़ी अच्छे से गले पे हर तरीके से मूव करती हैं और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग भी देती हैं। आप इससे फ्रंट का नेक भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर्म होल भी बना सकते हैं, तो इस वजह से। तो चलिए, मैं अब नेक्स्ट बनाना स्टार्ट करते हैं।
देखिए इस पे भी हमें फ्रंट पर ही ये मतलब पट्टी रखनी है। फ्रंट हमें मतलब बिल्कुल सीधा हिस्सा रखना है कुर्ती का, और उसके ऊपर ही हमें ये पट्टी रखनी है। और पट्टी को थोड़ा सा हल्का सा मतलब नीचे का कपड़ा नहीं, पट्टी को हल्का सा स्ट्रेच करते हुए लगाएंगे, मतलब ज़्यादा टाइट से नहीं लगाएंगे, खींचेंगे बिल्कुल मामूली सा, ठीक है। और वो फिर अपनी शेप लेता चला जाएगा नेक, बिल्कुल हल्का हल्का खींचना है, नीचे के कपड़े को तो बिल्कुल भी नहीं खींचना। देखिए ये काफ़ी अच्छे से और पट्टी लग जाएगी, और नेक की जैसे जैसे गोलाई है वैसे वैसे ये घूम भी जाएगी, ठीक है। इसको इतना करने के बाद अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो अब देखिए हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और एक मतलब सिलाई लगा देंगे। आप चाहे कच्ची भी लगा सकते हैं, पक्की भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अंदर की तरफ आ जाएगा। तो मैं हमेशा वैसे कच्ची ही सिलाई लगाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मुझे किनारे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी, और इसको सिर्फ जितना हमने सिलाई करते समय मार्जिन लिया था और उसी उतना ही हमें कपड़ा फोल्ड करना है उसको कवर करते हुए, ठीक है। इस तरीके से करने से नेक की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है, और फोल्ड करने में भी और नेक बहुत अच्छे से पलट जाता है। अब आप देख रहे होंगे ये बैक में है ना, ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम इसे कट कर देंगे, ठीक है। ये सारा कपड़ा हम हटा देंगे, इसे निकाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। करने के बाद फिर हम इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैक का भी पार्ट बन गया है। अब इसको बस सिर्फ अंदर की तरफ हमें फोल्ड करना का बाकी रह गया है, पर इसको फोल्ड हम तब करते हैं जब हम कंधी जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम कंधी जोड़ेंगे, जिससे क्या होता है सिलाई कवर हो जाती है। तो हम है ना जो इस तरीके से रखेंगे, वहाँ से जो शोल्डर की तरफ से बराबर रखेंगे, और जो यहाँ से हमें फ्रंट वाला मतलब हमें इतना पीछे रखना है सिलाई के पास रखेंगे, क्योंकि वो वाला तो हमें अंदर फोल्ड करना होगा, इसलिए हम मिला के नहीं रखते। देखिए इस तरीके से हो गया। देखा अब हम इसके ऊपर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, और आप चाहें तो बिल्कुल बारीक बारीक सिलाई बिल्कुल किनारे किनारे लगा सकते हैं, नहीं तो आप अभी कच्चा कर लीजिए, बाद में हाथ से तुरपाई भी कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से ये फिनिशिंग देता है। तो देखिए अब हम जब हम दूसरी तरफ आ जाएंगे, दूसरे शोल्डर, देखिए उसमें भी ऐसे ही इतना भार होता है, तो हम उसको भी इस तरीके से पकड़ेंगे और अंदर की तरफ दबाएंगे। ये बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है शोल्डर जोड़ने का, इससे क्या होता है जो जो जोड़ है वो गले की तरफ से दिखाई भी नहीं देता, और नेक काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ जुड़ता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक यू।